नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। पढ़ने में आप कमजोर हैं, तब भी कामयाबी पाने से आपको कोई नहीं रोकता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कई ऐसी चीजें जो आपको कामयाबी पाने में मदद कर सकेंगी। हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही काम 17 साल की उम्र में इंजीनियरिंग छोड़कर रितेश अग्रवाल ने कंपनी शुरू कर किया है। बिना किसी मदद के शुरू किए कारोबार को 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ओयो रूम $5 बिलियन की नई रकम जुटाने की तैयारी कर रहा है। हम आपको ओयो रूम के फाउंडर रितेश अग्रवाल के सफर की कहानी बता रहे हैं। ओडिशा के बिस्सम कटक गांव में जन्मे रितेश अग्रवाल ने अपनी स्कूली शिक्षा रायगढ़ के सेक्रेट हाई स्कूल से की है। मिजाज से घुमक्कड़ रितेश छोटी उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग से बहुत प्रेरित रहे हैं और वेदांता के अनिल अग्रवाल को अपना आदर्श मानते हैं। आम युवाओं की तरह रितेश भी स्कूल पूरा करने के बाद IIT में इंजीनियरिंग की सीट हासिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, लेकिन सफल ना हो सके। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दाखिला ले लिया। एक इंटरव्यू में रितेश ने कहा था कि वह सिर्फ 2 दिन ही लंदन यूनिवर्सिटी के दिल्ली कैंपस गए। हालांकि इस फैसले से माता पिता शुरू में बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन जब उन्हें रितेश का पूरा आइडिया समझ में आया तो उन्होंने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें प्रेरित भी किया। रितेश अग्रवाल पर कारोबारी बनने का जुनून इतना सवार था कि शुरुआती दिनों में उन्होंने मोबाइल सिम कार्ड भी बेचे थे। रितेश को घूमने का काफी शौक था। सन 2009 में उन्होंने देहरादून और मसूरी जाने का प्लान बनाया। यहाँ उन्होंने महसूस किया कि कई ऐसी खूबसूरत जगह है जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे ही अनुभवों ने रितेश को प्रेरित किया और उसने एक ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचा, जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर्टी के मालिकों और सर्विस प्रोवाइडर्स की सहायता से पर्यटकों को बेड एंड ब्रेकफास्ट के साथ रहने की किफायती सुविधा भी मुहैया कराई जा सके। वर्ष 2011 में रितेश ने ओरो वेल की शुरुआत की। रितेश के आइडिया से प्रभावित होकर गुड़गांव के मनीष सिन्हा ने ओरो वेल में निवेश किया और को फाउंडर बन गए। फिर 2012 में ओरा वेल को आर्थिक मजबूती मिली, जब देश के पहले एंजल आधारित स्टार्टअप एक्सेलेटर वेंचर नर्सरी एंजल से बुनियादी पूंजी प्राप्त हुई। हालांकि वेंचर को खड़ा करने में रितेश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें प्रमुख थी फंडिंग, मार्केटिंग और प्रॉपर्टी के मालिकों और निवेशकों तक पहुंचना। ओयो ने सॉफ्ट बैंक सहित मौजूदा इन्वेस्टर और हीरो एंटरप्राइजेस से $25 करोड़ की नई फंडिंग हासिल की है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए करना चाहती है। आपको बता दें कि इस नई फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन करीब $90 करोड़ यानी 6,000 करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। जब रितेश अग्रवाल ने orawell.com की शुरुआत की थी तब वे 17 वर्ष के थे। इस वेंचर की शुरुआत के पीछे रितेश का मकसद देश भर के पर्यटकों को किफायती दरों पर रहने की सुविधा मुहैया कराना था। ओरावेल एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां अपार्टमेंट्स और रूम की 3500 से भी ज्यादा लिस्टिंग में आप अपने लिए आरामदायक और अफोर्डेबल रूम तलाश कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं, जो उसी क्षेत्र में समान सुविधाएं प्रदान करने वाले होटलों की आधी कीमत में उपलब्ध है। यह कंपनी oyohotels.com का संचालन भी करती है, जहां कम कीमत के होटल्स की एक चेन उपलब्ध है। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।